गाइस गुड मॉर्निंग, करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। आप सभी भक्त जनों को हैप्पी शिवरात्रि और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अनाथों के सब सार्थक, हैप्पी महाशिवरात्रि। डॉली जी आ जाओ। हाँ जी गुड मॉर्निंग गाइस, शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। सब तैयार हो प्यारे दोस्तों, सॉरी माय बेस्ट फ्रेंड, सीधी सी बात है। तो फ्रेंड्स सब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। ठीक है जी, सारे सोने भाभी जा रहे हैं, सारे तैयार होके जा रहे हैं ऊपर वाले मंदिर। तो सुबह सुबह हो है अमन पापा इशू हो तो अमन पापा तो 5:30 बजे चले गए थे। अमन पापा तो चले गए थे, मैं 4 बजे चले जाते हैं ना। तो गाइस बस चलते हैं। अब ये आज ये ग्रीन ग्रीन डाला हुआ है, मैंने तोतिया ग्रीन डाला है, इसने मुंगिया ग्रीन डाला हुआ है, दोनों ने ग्रीन 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 हरियाली और रास्ता। तो गाइस बस सब चलते हैं, मिलते हैं मंदिर में, मिलते हैं थोड़े से मंदिर के दर्शन आपको भी करा देंगे, क्यों डॉली? तो जी सब तैयार हो गया जाने के लिए मंदिर, और बस हमने लोटा वगैरह अपना ले लिया। आ जाओ डॉली, आ जाओ भैया, आओ फटाफट जल्दी आओ। तो गाइस ये वाला मकान भी टूट टाट के सारा बनने वाला है, शेड वगैरह लग चुका है और मस्त वाली धूप निकली हुई है आज, एकदम करारी वाली। हाँ जी चले भक्तजनो, चलो भक्तजन चलो फटाफट, भक्तजन आ जाओ। मेरे लाइन में लग गया, मैं आ रहा हूँ, रश बहुत ज़्यादा है आज डॉली, रश थे कितना सारा मंदिर, रश कितना हो रखा है आज मंदिर में, बहुत सारा रश हो रखा है, लाइन लगी हुई है पूरी। लाइन गाइस लाइन देखो कितनी बढ़िया है, ये लाइन है, हम बीच में लगे हुए हैं और ये लाइन है, पूरी प्रॉपर लाइन लगी हुई है डॉली। लाइन कितनी है? और डॉली ने बाल्टी ले ली है, काकू टेक लिया मत्था मम्मा। तो गाइस फाइनली हमने मत्था टेक लिया है, काकू जी अब चले टेक ले साथ मत्था, मम्मी नीचे मत्था, मम्मी को टाइम लगेगा, हम चलते हैं घर पे। ठीक है हम सीढ़ियों में ऊपर आए हुए थे, ऊपर भी मंदिर बना हुआ है बाबा बालकनाथ जी का, वहाँ पे हमने दर्शन कर लिए हैं, अब सीधा जा रहे हैं नीचे सीढ़ियों से नीचे। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं घर पे और डॉली और सोनिया वहाँ पे भी मंदिर में ही हैं। बस हम अब नाश्ता वास्ता करते हैं, मैं दुकान जाने की तैयारी करता हूँ, आप पढ़ने की तैयारी करो, एग्ज़ाम की इंग्लिश का एग्ज़ाम है ना, फटाफट तैयारी करो। चलो मैं नाश्ता देता हूँ आपको, पाव भाजी चलेगी रात वाली है, दौड़ेगी या चलेगी? तो भक्तजन हो आ गए हैं जी, भक्तजन आ गए हैं मंदिर से होके, हम पहले आ गए थे, ये भक्तजन अभी आए हैं, हम अभी आए हैं क्योंकि हमें टाइम लगता है, ये भागते हैं वो जल्दी। तो गाइस हमने नाश्ता वास्ता सबने कर लिया जी, ये पाव भाजी का सारा नाश्ता हो चुका है, अब मेरा नाश्ता बना के अपना चाय बना के जाए। नहीं ना पाव भाजी पड़ी हुई है, गर्म कर लेना, खाने ना चाय मैंने बना दी आपकी, और अपनी सुबह सुबह भी मैंने कहा चाय दुकान पे ले जाऊँ, बनाना वगैरह लेके जाता हूँ। ठीक है बनाना मैंने ले लिया, ले जाओ वो संतरे ले जाओ। नहीं बस तो गाइज बस अब जा रहे हैं शॉप पर, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। तो गाइज बस चल रहे हैं शॉप पर और मिलेंगे बाद में, अब जाओ आप थोड़ा सा आराम कर लो भैया, आप सुबह के उठे हुए आज फटाफट। तो गाइज मंदिर आया था जहाँ पर पट रहा है प्रसाद, जय भोले की अंकल जी, जय भोले की, जय भोले की, भंडारे की लाइन में लग गए हम भी, साथ साथ में सेवा हो रही है, पंडित जी राधे राधे, जय श्री राधे जी, बस आनंद क्या भोग ले, मतलब हम भी प्रसाद ग्रहण करने आ गए हैं बस अपना। तो गाइस ये मंदिर से प्रसाद मिल चुका है, प्रसाद ग्रहण करेंगे, हलवा मिला है, आलू की सब्जी मिली है, पूड़ियाँ मिली हैं, पंडित जी ने दे दिए हैं, मंदिर में सामने हो रहा है भंडारा, वो देखो सामने लग गई है लाइन, अभी हम भी लाइन में लगकर लेकर आए हैं मंदिर में जाकर। ये रहा स्पून और बस पूजा वूजा कर ली थी मैंने, कहा लंच टाइम था, लंच टाइम तो खैर अभी तो नहीं हुआ, अभी तो तकरीबन 12:30 हुए हैं, और मंदिर में सामने मिल रहा था प्रसाद, हम प्रसाद की लाइन में लगे और प्रसाद लेकर आ गए हैं, और ये रहा हमारा प्रसाद, हम सिर्फ 2 पूड़ियाँ। लंच करने के लिए डॉली जगह जगह वो नहीं कर रहे हैं, अभी शिवजी जी की बारात निकलती थी रास्ते में, मैं देख कर आया था, तो सामने वाले अंकल जी हैं, अंकल जी आए थे, वो भंडारा वगैरह दे गए थे, प्रसाद दे गए थे आके मंदिर में दे गए थे, मैं तो लग के मैंने वहां पर खा लिया था, मैंने तो लंच कर लिया है थोड़ा सा, हम सबको थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद दे देते हैं, अंकल जी ने मुझे दे दिया था थैली में डाल के, कहते ले जाओ बेटे घर पे ले जाना, बच गया था मंदिर में काफी प्रसाद तो दे गए थे।
और आपने कर लिया लंच लंच? हाँ, मैंने तो सुबह कर लिया था। तो गाइस लेट ही खाया था तो अभी भूख भी नहीं है, जो सही बताऊं। नंदी उनके भोलेनाथ जी की बारात निकल रही थी अभी, बहुत धूमधाम से लोग होली लाल हाँ निकल गया, जगह जगह निकल रही है ना, हर हर किसी मंदिर की निकल रही है। अच्छा, हर अपने अपने मंदिर की निकल रही है। सही है, चलो आप भी कर लो फटाफट, इधर देखो बाय बाय करो। एक खाओगे, सुंदर सुंदर से गुलाब खिले हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको एक उनको, ये देख डॉली क्या क्या सुंदर से गुलाब है, है ना, वाह। ये देखो एक एक ही उसमें देखो, ये पिंक वाला और रेड वाला, दोनों कलर आ गए एक ही टहनी के अंदर गाइस, तीन तीन दो कलर के गुलाब आ रहे हैं। पिंक आता है नहीं, ऐसे पिंक आने के बाद ये लाइट हो जाता है। हाँ ये देखो डार्क है, मजेंटा सा, लाइट है, वाइट हो गया। हाँ जी, और एक चीज दिखाओ, ये देखो हमारे छोटे छोटे टमाटर आ रहे हैं, टमाटर छोटे छोटे टमाटर, तोड़ियो मत प्लीज, काकू तोड़ेगा तो मैं इसको नहीं तोड़ूंगा, बिल्कुल मैं तोड़ेगा, मैं पकने दियो इसको प्लीज। है तो गाइस ये देखो कितना सुंदर सा टमाटर है, मैंने तो देखा ही नहीं था। अब तू करेगा शरारत, मैं मालूंगा भी ना, मम्मा मारे नहीं काकू बत, ये देख सफेद है, ये देखिए सफेद है, देख ये बेजल लीव्स के कितने बड़े पौधे हो गए ना, इसके बहुत सारे होते हैं, तोते आ गए क्या, हां तोते आ गए मोरे, किधर है वो, ऊपर उड़ा, ऊपर उड़ के चले, शाम को भी आ जाते भाई, उड़ते रहते हैं। मैं कंबल धोए थे ना, देखने आई थी मैं, अगर कंबल सूख गया तो ले जाऊं जरा। और अभी मैं भोलेनाथ जी की बारात देख के आया था, अभी शाम को निकलेंगे, चलो प्लीज भोलेनाथ की शादी में, मैं देखा नहीं वैसे आज तक, सिर्फ आवाजें सुनिए धमाके धमाके जो होते हैं ना, वो अभी मंदिर है हमारी जो दुकान के सामने मंदिर है ना, वहाँ पे भी निकल, वहाँ पे भी शायद झांकियां निकलेंगी अभी शाम को। मैं आ गया था घर पे और लंच कर लिया है मैंने, अब चाय लेके जा रहा हूँ, मैंने जैकेट डाल लिया है क्योंकि नहीं ठंड नहीं लग रही, लग रही है, मैंने भी गरम सूट पहना। तो भाई मौसम दोपहर को इतनी ज्यादा गर्मी थी, और काकू देख पंगे ले रहा है, काको वीडियो में आ रहा है तो सामने से दिख रहा है बेटे, नहीं हाथ नहीं लगाते। तो गाइस बस दोपहर को इतनी गर्मी थी और शाम को इतनी ठंड है, बस अब चलते हैं शॉप पर, मिलेंगे शाम को आपको। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है काकू फैमिली, तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, 3,500 सब्सक्राइब होने वाले, और काकू फैमिली ब्लॉग पे 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, आपका दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, जितना भी शुक्रिया किया जाए कम है उतना, सही बात। और बस अब चलते हैं शॉप पर, मिलेंगे आपको थोड़ी सी देर में। तो गाइस प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर आए मिलने के लिए, क्या नाम है बेटे आपका? खुशी। सारे ब्लॉग देखते हो आप? अच्छे लगते हैं। किसके? पूरी फैमिली के। कौन सी क्लास में आप? सिक्स क्लास में। चलो अच्छी बात, एग्जाम चल रहे होंगे अभी तो आपके, है ना? आंटी जी के अभी कौन है की पोती है? पोती है। चलो ठीक है, बस दसदे रहने कौन क्या है यानी बीच बीच मतलब देखिए रहने स्टडी करनी होती है, बीच बीच जादू भी आती है। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? ऊपर नीचे ही रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। और कुछ खुशी कुछ कहना चाहोगे हमारे ब्लॉग के बारे में? अच्छा लगता है, चलो थैंक यू सो मच बेटे। तो गाइस ये चाय वाला पेन देखने आ गया था, जो चाय वाला पेन है ये बड़ा सा है बाबू, ये बड़ा है, इसमें कितने कप चाय बन जाएगी? 20 कप। इसमें 20 कप, छोटे छोटे वाले 20 कप बनेंगे ना, जैसे हम गिलास में, हम पंजाबी हैं भाई, हम गिलास में पीते तो 4 गिलास आते हैं। ये वाला वैसे सही रहता ना, ये साइज़ ये वाला सही था, ये वाला सही चलता ना, मीडियम सही है। एक ये वाला भी ले लिया, दो पेन ले लिया मैंने, एक ये वाला एक। डॉली ने ये काट लिया है, अम्बी है, प्याज है, धनिया है, और क्या क्या चीजें हैं, अदरक है, थोड़ा सा लहसुन है थोड़ी सी, बस अब जीरा नमक के साथ पीस दूंगी, हरी मिर्च, चटनी बन जाएगी, मस्त चटनी बन जाएगी भाई। मैं आ गया था दुकान से और डॉली बना रही है चटनी बढ़िया सी, साथ का बड़ा मन कर रहा है चटनी खाने का, सैंडविच खाएगा, उससे मन कर रहा है उसको, दोपहर से बोली जा रहा है मैं बना रही करते रात हो गई, आज बेचारे को परेशान हो गया, मम्मी आज इतनी लंबा क्यों लटका रही है मुझे, मैंने अम्बी के चक्कर में लटक गई थी ना, तो गाइस अम्बी नहीं थी आम, मेरा दिल था अम्बी डाल के बनाने का, वैसे तो अमचूर धनिया ओ सॉरी अमचूर और नींबू वाला निचोड़ लेती, पर अम्बी का स्वाद कुछ अलग है। तेरे लिए वो ट्राई पैन वाला वो ले आया हूँ, 3-ply वाला फ्राई पैन चाय के लिए, वैसे तो एक ये पड़ा हुआ है मगर ये डॉली को हल्का लगता है भाई, कह रही है हमें को हैवी वाला चाहिए, हैवी वाला है, मतलब इसने चाय नहीं बनानी, लड़ाई करनी, हैवी वाला चाहिए, बहुत हैवी वाला, और इतना हैवी लेकर आया, ये मैं पकड़ लूंगी, वो हैवी वाला पकड़ोगे, इसके जैसे चार निकलेंगे, इतना हैवी है, अभी मैं दिखाता हूँ मुझे, ये तो वैसे बेचारा बच्चा कहीं गिरा पड़ा हुआ, अभी मैं दिखाता हूँ, ट्राई पेन वाला लेके आया हूँ कंपनी का, ब्लैक डायमंड वालों का है, अच्छा है,
और है भी है, ये आ गया चटोरा पीछे से, पानी ले रहे हैं। उसका दिल कर रहा था मम्मा चाय बना दो, चाय बना, मैं दो घूट चाय बना दी। तो गाइस मैं भी अभी आया हूँ दुकान से, मैंने कहा चलो आधा कप चाय पीते हैं और साथ में करते हैं, टाइम है चाय पीने का, फिर ज्यादा रात को देर हो जाएगी ना। चलो गाइस डॉली ने सारी चीजें डाल दी मिक्सी ग्राइंडर में और पीसने के लिए, अभी चटनी बनेगी। क्या क्या डालोगे? जीरा और, जीरा और नमक। अभी उसके बाद चेक करूंगी अम्बी से कितनी खट्टी है, नींबू या अमचूर डालने की जरूरत पड़ी तो डालूंगी, नहीं तो नहीं। चलो ठीक है बनाओ, मिक्सी में पीसो, आवाज आएगी भी घर घर घर। ये देखो ऊपर आई गई हो तो ये देखो, अभी भाभी को बुलाने लगी थी, मैंने भाभी को दिखाती हूँ, निक्की को भी दिखाती हूँ, निक्की पता नहीं है कि नहीं नीचे। चाय का इसका वो का ढक्कन, वो वो करे मैं कल मंगवा दूंगा। मैंने कहा अभी मत लेगा, मेरे पास ढक्कन में पड़ी है, एक बार लगा के देखती। हाँ। नहीं है, एक ढक्कन पड़ा हुआ है, वैसे मैंने साइज का बोल दिया है यार, कहते मैं कल ला दूंगा उसने। हाँ। इसने मना कर दिया था। हाँ देखा है, देखा कितना है, सामान डालेंगे तो कितना भारी होगा। नहीं चाय ये क्या, ये तो अंकल ने सैंपल दिया मुझे, कह रहे हो नया आया लिक्विड आया हैंड वॉश वगैरह के लिए। हाँ ये तड़का पहना है छोटा सा, ये तो ऐसे क्यों, ये अब इसमें सामान डालोगे फिर ऐसे आ जाएगा ना, सामान डालोगे तो अच्छा। मतलब कि घी तो, घी डालने के बाद तो नहीं हिल जाएगा? नहीं नहीं, अगर तेरे को पसंद आ रहा है ठीक है, तो अंकल गैस पे रख के देख ले, अगर सेटिंग आवे कुछ नहीं वाला काम सही नहीं है। हाँ अरे तू तो हमी से नकल ही मारती रहती है, अच्छा ललता भाभी की नकल कर रही है, मंगवाई ना पड़ो, तुझे भी मंगवानी है डॉली नगर। और हमारे प्यारे दोस्त थी तो मैंने अपने कलर नारी शक्ति, आज हमने मुझे कुछ नहीं करवाया नारी शक्ति के। देखो गाइस मैंने अपना वुमन डे मना लिया, हमारी भाभी बहुत सुंदर बन के आई। नहीं मैंने अपना ब्लैक कलर हटवा के अपना ब्राउन कर दिया, ब्लैक कलर बहुत हो गया। मैं जब मेरे ब्लैक से व्हाइट होंगे ना तब मैं कोई कलर करूंगा, नहीं इसलिए नहीं छड़वाई कलर। नहीं मैंने ब्राउन करा ली, जैसे मैंने नेचुरल कलर था ना, मैंने डाई कर करके कर करके उसको ब्लैक, नहीं सही लग रहा है, सारा पूरा ग्लोबल कलर करवा के आई हूँ समीर से, नंबर 1 है समीर की लखनऊ में, उससे करा के आई हूँ। बहुत अच्छा, अब आपकी तैयारी कब है? वो टॉक्स करवाना है, आप गोलू के घर से हो, कब जाने आपने? मैं कल चली जाऊंगा। कल चले जाओगे? कितने सुबह सुबह? मुझे नहीं पता, जाना कल है, अभी नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सुबह भी जा सकती है दोपहर को भी, जब भाभी को टाइम लग जाए, जब मैं उठ जाऊँ। खट्टी मीठी भी लगाओ, खट्टी भी लगाओ, मस्त लगेगी। डॉली ने बना लिया चटनी और ये कह रही की चटनी के साथ अब कुछ बनाना, जो रेसिपी है वो कल दे देना। चटनी तो डॉली ने बता दिया आपको, ठीक है जी। अब इसकी रेसिपी, जो चटनी की रेसिपी है ना वो नहीं आएगी, चटनी के साथ कुछ डिश बनेगी उसकी रेसिपी आएगी आपके फैमिली ब्लॉग में। अच्छा। तो आप देख, हमारे घर में ना सारे शेफ हैं, ये लगे हुए हैं। हमारे साहब ने टमाटो काट दिए हैं, ककम्बर काट दिया है, ओनियन काट दिया, पनीर काट दिया है, चटनी इसकी मम्मी ने बना दी है, अमूल बटर साथ में है, एवरेस्ट का चाट मसाला, और ये भाई साहब शेफ बटर नहीं है, ये भी चटनी है। अच्छा ये भी चटनी है, अमूल बटर के अंदर चटनी, खट्टी मीठी दो चटनी लगा रहा है। चलो जी, इसका बनाएगा सैंडविच वाला तड़का, सैंडविच बनाएगा, क्या बनाएगा? प्लेन सैंडविच बन रहा है जी इसका। ये देख बना दिया इसने बढ़िया सा सैंडविच, अब इसको क्या ग्रिल करना है? नहीं ऐसे ही नहीं। बिल्कुल देसी वाला सैंडविच बन गया घर वाला, देसी देसी। वाह भाई सब शेफ पर। तो इसने बना दिया हैवी लोडेड वाला सैंडविच बना दिया, फोर लेयर वाला है ना। हाँ जी, अब इसको काट दो, ऐसे नहीं काटना। तो गाइस ये देखो लेयर आई है, क्या मस्त वाली लेयर आ गई है, मस्त सैंडविच बन गया देसी एकदम। गाइस अभी अभी रेसिपी बनाई है, चीज क्लब सैंडविच बना रहा है, और ये स्वीट कॉर्न बनाया है, मिंट वाला स्वीट कॉर्न। ये अभी ब्लॉक का एंड किया, और ये दोनों जने लगे हुए लपेटने के लिए, चीज खा ले चीज, और मस्त वाली चीज, ये देखो मस्त वाला फ्लेवर, मस्त वाला चीज आया है ना। दूसरे वाले बाइट खा के देख, ये वाली बाइट खा के देख ना, ये वाली बड़े वाला नहीं, बड़े वाला सैंडविच खा के देख बाबू। नहीं कोई नहीं, खा के तो देख चीज का ना थोड़ा सा वो आएगा, फ्लेवर आएगा अच्छा सा। और मिंट वाला सही बने स्वीट कॉर्न, हाँ जबरदस्त बने, जबरदस्त दोनों चीज आज मस्त बनी है। ये लो चीज है, चीज बहुत अच्छा है, बड़ा बड़ा चीज, ये देखो दिख रहे हैं ना बिल्कुल। तो गाइस स्पेशल वुमेन नारी शक्ति के लिए, जो आज वुमेन डे है, तो उसके लिए मैंने स्पेशल डिश बनाई है अपनी माताओं, अपनी बहनों के लिए, अपनी फ्रेंड्स के लिए। और पसंद आए तो एक बार काकू फैमिली ब्लॉग में देख लेना जी फटाफट कैसे बनाइए। बहुत इजी है, घर वाली रेसिपी है, कोई भी ज़्यादा पंगे वाला काम नहीं है।
और जो स्वीट कॉर्न है ये मिंट वाला स्वीट कॉर्न, चटनी का बहुत फायदा उठा लिया। हाँ चटनी बनाई थी ना डॉली ने जो मिंट वाली, उसका बहुत फायदा उठा लिया। बस दो डिश के अंदर चली गई ये चीज है ना, अच्छी लग रही है। तीन डिश भाई ने सैंडविच बनाया, एक भाई ने सैंडविच बनाया था, सिंपल वाला खाना था बिल्कुल, वो वाली बहुत टेस्टी लगी। मेरे को तड़के वाला खाना था, इसको काकू को तड़के वाला बन गया, और मुझे खाना था स्वीट कॉर्न। पापा क्या खाएंगे? पापा सबका नहीं, पापा ये खाएंगे प्लेन। एक बारी अमनदीप कौर जी का ये कमेंट्स पढ़ लेना है, ये जो सेम डायलॉग इसकी माता जी है यानी कि हमारी सासू माता जी मारती थी, हमेशा बोलती थी मेरी, सेम उन्होंने ही मारा है। काकू क्या लिखा पढ़ के बताओ आप। जी आपने मोती दान किए हैं और राउंडर हस्बैंड मिले हैं, देने वाला मुझे भी आशीर्वाद दो, मेरा बेटा भी ऐसा बने, देने वाला सो नाइस। अमनदीप कौर जी सेम डायलॉग मारती थी, कौन मारती थी मैं बताता हूँ, कौन मारती थी, मम्मी जी बोलती थी कि भाई डॉली तुझे इतने अच्छा घर परिवार इतना अच्छा हस्बैंड मिला कि तूने मोती दान किया है, अगर तूने नहीं की तू तो अभी नहीं नहीं गई है, मैंने मोती दान किया है कि तुझे इतना अच्छा परिवार के साथ इतना अच्छा पति मिला है, हमेशा एक बात मेरी मम्मी बोलती थी। तो गाइस बस ये नारी का सम्मान है, नारी शक्ति का सम्मान है, ये चीजें मतलब दिल से निकलती है। और आज है वुमेन्स डे स्पेशल, स्पेशल मोमेंट्स है, और सभी नारियों को हमारा सलाम। अच्छा, जो मम्मा जो पापा आपके लिए गिफ्ट लाए थे चॉकलेट, अच्छा, आपकी ये फेवरेट मिल्क चॉकलेट, मेरी फेवरेट चॉकलेट लेके आए यहाँ जी, ये मुझे दे दिए है पर मैंने खाया नहीं था, इनको खिलाया बिना मैं खोला नहीं। गाइस क्रॉक्स भी मंगाए थे भाइयों, एचआरएक्स के क्रॉक्स मंगाए थे ना, हाँ जी, वो बिल्कुल लोटपोट निकले हैं, नहीं वो अच्छे नहीं निकले तो हमने अब वो रखना नहीं, वो रिटर्न करना है, रिटर्न का ही करना है वो, उसको काकू को पसंद नहीं आया ना, वो कुछ दिखने में तो मैंने भी अपना कैंसिल करा दिया है एचआर के, ये गाइस वो कहता है मैंने दूसरा लेना है, वैसा नहीं लेना, बॉक्स भी गाइस का अच्छा नहीं लगा बॉक्स, तो गाइस ये बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं आया, अनकम्फर्टेबल है नीचे से ना, इसका सोल तरीके सही नहीं है, इसको पहना हुआ अनकम्फर्टेबल लग रहा है ना। HRX का ये वाला मंगाया ऋतिक रोशन वाला, मगर इसको पसंद ही नहीं आ रहा जी, अब ये कह रहा है मुझे वापस करना है, ये कह रहा है मैं वापस करूंगा भाई, क्योंकि अनकंफर्टेबल लग रहा है डाला हुआ ना, बर्थडे में पैसे जोड़ के अच्छे से क्रॉक्स ले लिया, कोई नहीं तो पहले ले लियो, अब बेटे स्कूल खुलने वाला है, चलेगा कितना पहन के, गाइस टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का, इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।